बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडी साबित हो रही है। इस जोड़ी को लेकर काफी उम्मीद जताई जा रही थी। पहली बार एक्शन किंग सीरियल किसर एक साथ पर्दे पर उतरे, लेकिन जनता इतनी एक्साइटेड नजर नहीं आई। कमाई की बात करें तो आंकड़े देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि ये अक्षय कुमार की बात हो रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया के ट्वीट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार 24 फरवरी को 2.55 करोड़ की कमाई की। वहीं दूसरे दिन आंकड़ा 3.75 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा है। अगर फिल्म इस रफ्तार से बढ़ती है तो समझ जाइए कि ये जल्द ही थिएटर से बाहर का रास्ता देख सकती है। अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म की परफॉर्मेंस से काफी नाराज है। हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस फेलियर की जिम्मेदारी भी ली है। अक्षय ने कहा है, ऐसा पहली बार नहीं है जब मेरी फिल्म फ्लॉप हो रही है। एक बार तो मैंने लगातार 16 फिल्म फ्लॉप दी थी। इस बार लगातार मेरी 3-4 फिल्में नहीं चली। अगर फिल्म नहीं चलती है तो ये आपकी अपनी गलती होती है। दर्शक बदल गए हैं, आपको फिर से शुरुआत करनी होगी क्योंकि दर्शक खुद देखना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, आपकी फिल्म नहीं चल रही है तो गलती आपकी है, बदलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि जब फिल्म नहीं चलती है तो दर्शकों को दोष नहीं देना चाहिए, ये 100% आपकी खुद की गलती है। हो सकता है कि आपने सही कंटेंट ना दिया हो। बता दें कि साल 2022 में अक्षय कुमार के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। उनकी फिल्में रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकाम रही थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में।